इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। तो इस प्रकार सत्शुद्ध जो होता है उसके लिए कुछ धार्मिक आचरण की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से उसका विकास हो सकता है, इसमें बाधा नहीं। किंतु इसमें भी विशेष रूप से उसमें प्रवेश कराने के लिए वह सारा का सारा विषय गुरु के लिए जाता है। गुरु के बिना कोई भी इस प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो जैन कुल में पैदा हुआ है इसके उपरांत भी उसकी भी परीक्षा की जाती है, तब कहीं जा करके प्रवेश पाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अदर पैदा हुआ है उसकी परीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर के आशय यह है, जो नीच कुल में पैदा हुआ है वह नीच गोत्री माना जाता है। तो नीच गोत्र नीच कुल में पैदा क्यों हुआ, यह प्रश्न है। नीच कुल में पैदा हुआ है, ये कार्य हुआ है, किंतु पैदा क्यों हुआ, क्यों हुआ, इसका उत्तर आगम से दिया जाएगा। क्योंकि कर्म सिद्धांत में प्रत्येक कर्मों के आश्रव के लिए विशिष्ट परिणाम हुआ करते हैं, क्योंकि जब तक परिणाम नहीं होंगे तब तक भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के कर्म का आश्रव संभव नहीं है। तो इसलिए नीच गोत्र का आश्रव किन परिणामों के द्वारा होता है और उसका स्वामी कौन है, इसको लेकर के चर्चा यहाँ पर की जा रही है, या प्रवचन होते हुए भी सिद्धांत का विषय दिया जा रहा, यह भी आवश्यक है आप लोगों के लिए। उमा स्वामी महाराज ने छठे अध्याय में इस प्रसंग को रखा है कि नीच गोत्र का आश्रव किन परिणामों के द्वारा होता है। परात्म निंदा प्रशंस सदसत गुणोच्छादनोद भावने च नीचेर गोत्रस्य, एक सूत्र आता है। पर की निंदा, ध्यान से सुने, पर की निंदा, पर की आलोचना, पर के प्रति घृणा की दृष्टि से देखना, पर की अवज्ञा करना, ये सारे सारे परिणाम नीच गोत्र के आश्रव के लिए कारण है। इसके साथ साथ दूसरे की निंदा करता हुआ अपनी प्रशंसा का जो भाव रखता है वह नीच गोत्र का बंद करता है, आश्रव करता है, ऐसा आया है। अब सोचने की बात है, दिन भर में अपने अंदर परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, तो दूसरे की निंदा के भाव होते हैं क्या नहीं है? होते हैं, होते हैं, ऐसा कहो क्योंकि सत्य बोला करो। हाँ, दूसरे की निंदा के भाव भी हो और कह दो नहीं महाराज हमारे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन देख लेना, क्योंकि आपके भीतर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञान मुझे नहीं हो सकता, इस प्रकार कई बार आपके सामने रखा है। आप अपने परिणामों का परीक्षण करने का पुरुषार्थ करो, हम किसी को कहें अथवा न कहें, किंतु बैठे 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 दूसरे के बारे में किस रूप में परिणाम उत्पन्न होते हैं, दूसरे के हित के परिणाम होना और दूसरे के अहित के बारे में परिणाम होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है।
आप अपना कल्याण कर सको या न कर सको, किंतु दूसरे के अकल्याण का भाव तो नहीं आना चाहिए। किंतु संसारी प्राणी ईर्ष्या के कारण, द्वेष आदि के कारण दूसरे की आलोचना करता है। कभी भी गुणों की आलोचना नहीं होती, गुणों की निंदा नहीं होती, गुणों की अवज्ञा नहीं होती, किंतु हमेशा गुणों का समादर होता है, गुणों की प्रशंसा की जाती है, किंतु अपनी नहीं। अपने गुणों की प्रशंसा तो निरंतर करता है संसारी प्राणी, बल्कि राई बराबर यदि मान लो अपने भीतर गुण है तो उसको तिल का ताड़ बना देता है। हाँ, मेरे पास इतने गुण हैं, इतने गुण हैं आदि आदि। जबकि दूसरे के भीतर राई बराबर भी यदि गुण है तो उसको तिल का ताड़ बनाने के लिए कहा है। संसारी प्राणी उल्टा काम करता है, वो हमेशा उल्टा ही करता है, इसलिए तो संसार में बना हुआ है। दूसरे के दोषों को उद्घाटित नहीं करना, दूसरे के दोषों को भूल करके भी उद्घाटित नहीं करना, यदि करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, निश्चित रूप से वह निंदा कर रहा होता है, और निंदा के पर की निंदा के माध्यम से वह नीच गोत्र का ही बंद करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये आगम वाक्य सिद्धांत के ये वाक्य हैं, और सिद्धांत आगम की रचना किसने की है? भगवान ने की है, बल्कि भगवान ने के द्वारा दिव्य ध्वनि में ये बात आई है, और उसको गणधर परमिष्टि ने द्वादशांग का रूप दिया है। इसलिए द्वादशांग वाणी में ये श्रुति में ये बात आई है कि दूसरे की निंदा आलोचना आदि करने से निश्चित रूप से नीच गोत्र का बंद करता है, और निंदनीय कुल में वह पैदा होता है। सोचो, विचार करो। लेकिन संसारी प्राणी को क्या होता है पता नहीं, और वह असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए हजार असत्य का और सहारा लेता है। किसको सिद्ध करना है? उसको असत्य को सत्य के रूप में सिद्ध करने के लिए हजार बार और असत्य बोलने के लिए वह तैयार हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में वह करना क्या चाहता है? भूल करके भी दूसरे की निंदा ठीक नहीं। मान लो, यह भी कहा है आगम में, मान लो कोई चोरी कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। किंतु आगम की आज्ञा है वृत्तियों के लिए कि सामने कोई चोर खड़ा है, तुम चोर हो, इस प्रकार कहने के लिए भी निषेध किया है। चोर को चोर के रूप में जानो और उससे बचने का प्रयास करो, ये तो ठीक है। पापी को जानो किंतु कहो नहीं तुम पापी हो। यदि दूसरे को पापी बोलते हैं, निश्चित रूप से वह स्वयं अपराधी सिद्ध होता है आगम की दृष्टि से। इसलिए व्रति कभी भी दूसरे के लिए कहता क्या है? वह कहता कुछ नहीं, जानता है। यदि गुणी देखने में आता है तो उसकी प्रशंसा करता है, और गुणी नहीं देखने में आता, कोई मान लो अवगुणी देखने में आ रहा है, तो वह माध्यस्थ भाव का धारण कर लेता है। माध्यस्थ भाव को रखता है, कभी भी वह नहीं कहता मुख से कि तुम अपराधी हो। अपराधी को अपराधी कहना भी बड़ा अपराध माना गया है, और जो निरपराध व्यक्ति है उसके लिए भी वह अपराधी सिद्ध करने का पुरुषार्थ करता है। उससे बढ़कर के दुनिया में और कोई भी पापी नहीं है, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आगम बोल रहा है, ये ध्यान रखे। तो मैं ये कह रहा था, दूसरे की निंदा का भाव करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और अपनी आत्म प्रशंसा करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है।
अपनी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हो जाता है। अपनी प्रशंसा वह चाहता है दूसरे के द्वारा। दूसरा यदि मान लो आपकी प्रशंसा करता है तो आप वंस मोर कहते हैं। मान लो कोई आलोचना कर रहा है तो उसके ऊपर वार करते हैं, ये होता है। तो इसके द्वारा अनर्थ हो रहा है, ये ध्यान रख के। बहुत कठिन काम है। मनुष्य पर्याय मिली है, निरोग शरीर मिला है, आर्यखंड में पैदा हुए हैं, उच्च कुल मिला हुआ है, देव शास्त्रों का समागम मिला हुआ है, निरोग शरीर मिला है, सारी इंद्रियां मिली हुई है, इसके उपरांत भी उसका सदुपयोग करने वाला व्यक्ति होनहार माना जाता है। सोचो विचार करो, मुख का दुरुपयोग मत करो। मुख मिला है तो दूसरे की प्रशंसा करने के लिए मिला है। गुरु की, शास्त्र की और प्रभु की, इन तीनों की स्तुति करने के लिए मुख मिला है। लेकिन इस मुख से वह देव गुरु शास्त्र की स्तुति करना नहीं चाहता, किंतु वह इस मुख के माध्यम से दूसरे की निंदा करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो उसका पतन निश्चित है बंधु। हालांकि उसने पूर्व में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था और फल स्वरूप मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर ली और अनेकानेक दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करने के उपरांत भी ऐसा पासा पलट जाता है, ऐसा तीर कर्म का उदय आ जाता है, तो वह उचित अनुचित का ख्याल रखे बिना वह प्रवृत्ति करना प्रारंभ कर जाता है, तो उसका पतन तत्काल प्रारंभ हो जाता है। तो उत्थान भी उसका अपने परिणाम के द्वारा ही हुआ था और उसका विनाश भी अपने ही कालुष परिणाम के द्वारा हो रहा है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ये सावधान रखने की आवश्यकता है कि मेरी मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा किसी भी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए। मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, यह भाव मन में निरंतर होना चाहिए। क्योंकि आचार्यों ने ये कहा कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, क्या कहा, बहुत गहरा अर्थ है ये इसमें, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसमें गहरा क्या अर्थ है महाराज बताओ, गुरुदेव ने बताया, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। हमारी दृष्टि भी उस ओर नहीं गई थी, क्योंकि हमारे लिए जो दृष्टि मिली है वो गुरु के माध्यम से मिली है, ये ध्यान रखो। हम कहाँ थे और कहाँ पर हमें ले आए, वो बहुत व्यापक दृष्टिकोण है गुरुदेव का। इस सूत्र में परस्परोपग्रहो जीवानाम, इस सूत्र में जो व्यापकता है उसको सामने रखने का पुरुषार्थ प्रयास किया है गुरुदेव ने, वह ये है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा, जैनानाम ऐसा नहीं कहा, ये ध्यान रखो। केवल जैनियों के बीच में परस्पर में उपकार करने का नाम धर्म है, अहिंसा धर्म है, ऐसा नहीं, किंतु प्राणी मात्र के प्रति उपकार का भाव आना चाहिए। कितनी विशालता है इसमें, हम विभाजन कर रहे हैं, मैं जैनी हूं, यह अदर है,
इधर उधर मत देखो, अदर क्यों बोल रहे हो, वो अभी जीव है, जीव मात्र की ओर दृष्टि होनी चाहिए। और जीव मात्र की ओर दृष्टि जाती है तो प्रत्येक जीव का कल्याण होना चाहिए, एक व्यापक दृष्टिकोण है, ये विशालता है। क्योंकि यह भी आगम से ही स्पष्ट हो जाता है कि स्वभाव की दृष्टि से, शक्ति की अपेक्षा से प्रत्येक जीव में केवल ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है, तो ये भेद क्यों करते हो तुम? व्यवहार की दृष्टि से भेद करना अलग वस्तु, व्यवहार का लोप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किंतु वस्तुतः प्रत्येक जीव में प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, इसलिए दूसरे के प्रति हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यदि हीन दृष्टि से देखते हैं तो तुम्हारे द्वारा उसका कल्याण नहीं होने वाला है। दूसरा, मान लो गुणी नहीं है तो गुणी बनाने का पुरुषार्थ करो, धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक्त की उत्पत्ति होती है, होती है कि नहीं होती है। किंतु धर्म श्रवण किसके लिए? जिसको सम्यक्त उत्पन्न कराना है उसके लिए धर्म श्रवण है। कोई सम्यक दृष्टि है उसके लिए धर्म श्रवण करा रहे हैं तो सम्यक दृष्टि को सम्यक प्राप्त करा रहे हैं क्या आप? ऑलरेडी उसके पास है सम्यक, तो जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसको प्राप्त कराने के लिए धर्म श्रवण कराने की आवश्यकता है, उसको जैन धर्म की ओर अग्रसर कराने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में महाराज फिर मिथ्या दृष्टि के लिए उपदेश हो जाएगा, तो समझ क्या रहे हो है? आपको ये वक्ति मालूम नहीं है क्या? आप लोगों के मुख से ही हम सुनते हैं है? क्या सुनते हैं? जो जाग रहा है उसको क्या जगाना बोलते कि नहीं आप लोग? जो सो रहा है उसको जगाया जाता है, जो जाग रहा है उसको क्या जगाना? वो अपने आप जगा हुआ है, वो सो थोड़ी रहा है। तो जो सो रहा है, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, उसको प्रकाश देने की आवश्यकता है। मोरूपी अंधकार में जो घूम रहा है उसको दीपक दिखाने की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। तो इसलिए एक मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, उसके प्रति भी उपकार का भाव आना चाहिए, अनुग्रह का भाव आना चाहिए। आप सोचो विचार करो, किंतु संसारी प्राणी की दृष्टि बहुत संकीर्ण मनोवृत्ति वाला है मानव, उसके अंदर विशालता नहीं है। आप सोचो, वर्तमान युग अधिक पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं महाराज। क्या पढ़ते हैं, याद आ रहा है आपको कोई कथानक? मैं कथानक कथा सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं, प्रसंग दे रहा हूं। गुरुओं की दृष्टि कितनी विशालतम होगी। एक मछुआरा है जो मछली पकड़ करके उसके सहारे अपना जीवन यापन कर रहा है। अब धर्म श्रवण देशना चल रही है, प्रवचन दे रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, अहिंसा के विषय में प्रकाश डाला जा रहा है कि हिंसा के माध्यम से पतन होता है, अहिंसा धर्म की उपासना करने से आत्मा का उत्थान होता है। इस प्रकार प्रवचन में बात कही जा रही है और अपने शक्ति के अनुरूप त्याग के क्षेत्र में भी प्रेरित कर रहे हैं गुरु करुणा करके, और उपदेश समाप्त होने के उपरांत अपने शक्ति के अनुरूप सारे के सारे लोग व्रत नियम आदि लेकर के घर जा रहे हैं। और एक व्यक्ति उस सभा में भी उपस्थित था, वो कौन था? मछुआरा था।
और वह हाथ जोड़ करके खड़ा है कि स्वामी महाराज, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे सामने त्याग करने वालों की संख्या तो अनगिनत है, लेकिन उसी सभा में मैं बैठा हूं, मेरे द्वारा त्याग करने के लिए आप कहेंगे उसके पहले ही आपके सामने मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं कि मैं कुछ भी त्याग नहीं कर सकता महाराज, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए और कोई साधन नहीं है। मैं सुबह से शाम तक जाल बिछा करके बैठता हूँ नदी के किनारे और मछली पकड़ करके उसके माध्यम से मैं अपना भी और परिवार का भी पालन पोषण इसके द्वारा करता हूँ। इसलिए त्याग के क्षेत्र में आप उपदेश दे रहे हैं, मैं कैसा त्याग कर सकता हूँ, किंतु गुरु कहते हैं घबराओ नहीं महाराज, मैं क्या करूं फिर। केवल एक क्या, पहली मछली छोड़ो। सुन रहे हैं आप महाराज, ये भी कोई उपदेश है क्या है? पहली मछली छोड़ने के लिए उपदेश दिया जा रहा है, क्योंकि वह गुरु वेतनागी वो संत जानते हैं कि आत्मा की उन्नति किसके द्वारा होती है। अहिंसा की उपासना के द्वारा ही आत्मोन्नति होती है, यह गाढ़ सिद्धांत है। भले व क्रम से त्याग करें हिंसा का, ये बात अलग है। पहली मछली छोड़ो कहती वह हाथ जोड़ करके वह नतमस्तक हो जाता है कि महाराज, हमें भी अपने पात्र के रूप में स्वीकार किया। मैं सोच रहा था कि सभा में सारे के सारे पात्र हैं, किंतु मैं भी पात्र बन गया। मैं अपने आप को महान पापी समझता था, किंतु मेरे आत्मा की उन्नति के लिए भी आपने मार्ग प्रशस्त किया है। धन्य है आप। इस प्रकार वह कौन बोल रहा है? वह मछुआरा बोल रहा है। सोचो विचार करो, उसके आंखों में भी आंसू भर आए। वस्तुतः अहिंसा की उपासना बहुत अपना पृथक अस्तित्व वह रखता है। अहिंसा किसको बोलते हैं? दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव रखना, ये अहिंसा है। आग्रह नहीं, किंतु अनुग्रह की बात कही जा रही है। तो अनुग्रह किया जा रहा है उस मछुआरे के ऊपर भी, क्योंकि वह भी दान का पात्र है महाराज। उसको दान दिया जा रहा है, देने वाले कौन? गुरु हैं। क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेष्टा हैं, वे दान कर रहे हैं। किसका किसका दान? अहिंसा धर्म का उपदेश दे करके उसको उपकृत कर रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं। ये कम है क्या दान? आहार दान वो भी दान है, अभय दान वह भी दान है, आश्रय दान जिसको बोलते वही अभय दान के अंतर्गत आता है, उपकरण दान भी आता है, औषध दान भी आता है। इन सभी दानों में ज्ञान दान दे रहे हैं उसके लिए, उसकी आंखें खुल गई। आपकी खुली है क्या? नहीं है? खुलना चाहिए। आप तो उच्च कुल में पैदा हुए हैं और आपके लिए प्रतिदिन उपदेश दिया जा रहा है। सोचो,
और उसके लिए एक दिन उपदेश सुनने को मिला और उसने संकल्प ले लिया जीवन में, अब इस संकल्प को तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था पहले मछली छोड़ना। ये त्याग का उपदेश है, ग्रहण का उपदेश नहीं, ये ध्यान रखो। आपके मन में विकल्प आ सकता है कि पहले मछली को छोड़ने के लिए कहा है तो अन्य मछली को खाने के लिए कहा है क्या? भक्षण का उपदेश नहीं किंतु त्याग का उपदेश है। मेरे बिना कहे भी वह मांस का भक्षण प्रतिदिन करता था, उसके माध्यम से उसका जीवन चलता था, किंतु इस उपदेश के माध्यम से उसने त्याग कर दिया है पहले मछली का। और संयोग की बात है, वह जाल बिछा करके बैठा है नदी किनारे, प्रातः वेला में पहुंचा है और इस प्रतीक्षा में है कि इस जाल में मछली बहुत सारे आएंगी और उसमें से एक मछली को मुझे छोड़ना है, लेकिन पहली मछली को छोड़ना है। तो एक साथ बहुत सारी मछली आ गई तो कैसे छोड़ेंगे हम? तो संयोग देखो, उस दिन जाल बिछाने के उपरांत एक मछली उस जाल में आई है और बहुत मोटी है। अब मोटी हो या छोटी हो, बड़ी हो या छोटी हो, मछली आई है वह एक ही है, वह पहली मछली है। अब परीक्षा है, इसमें क्या परीक्षा है? ठीक है, उस पहली मछली को मैं छोड़ूंगा, ग्रहण नहीं करूंगा, किंतु उसको छोड़ने के उपरांत पुनः वही मछली आ सकती है, उसकी पहचान कैसी होगी? तो पहली जो मछली आई थी उसके पूंछ में एक क्या चिंदी बांधी, चिंदी बोलते हैं, एक कपड़े का टुकड़ा उसको बांध दिया और उसको छोड़ दिया और पुनः जाल बिछा दी और पुनः वही मछली आ गई जो पहले आई थी, पहचान हो गई, क्योंकि उसमें बंधी हुई है चिंदी, वह कपड़ा बंधा हुआ है, उसने सोच लिया कि पहली मछली यही है, पुनः उसको छोड़ दिया। बार 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 यह क्रम चलता रहा, दिन भर क्रम चलता रहा, उसकी परीक्षा हो गई और दिन अस्त होने को है, किंतु उसने सोचा प्राण चले जाए किंतु इस पहली मछली का प्राण मैं बचाऊंगा। और अन्य मछली आई नहीं, कोई वादा नहीं, मेरी परीक्षा है, जो अध्ययन करता है उसकी परीक्षा ली जाती है, जो परीक्षा में नहीं बैठता है उसके पास होने का और फेल होने का कोई विकल्प ही नहीं, क्योंकि परीक्षा में बैठा ही नहीं वो। और वह परीक्षा में बैठा था मछुआरा और उसने बार 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 वह पहली मछली आई किंतु उसको लिया नहीं और खाली हाथ लौट रहा है। रात हो गई है और वह पहुंच गया है अपने घर और घर का द्वार बंद है और भीतर कौन है, है? भीतर कौन है? उस मछुआरे की पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं और द्वार बंद है और यह द्वार खटखटाता है तो भीतर से वो पत्नी बोलती है, मैं द्वार नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोल सकती, तुम्हें परिवार की चिंता नहीं, मेरी चिंता नहीं, तुम अपने आप में रह गए हो, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने इस प्रकार भीतर से आवाज दिया, बोली और बार बार खटखटाने के उपरांत जब दरवाजा नहीं खोली उसने, तो वहीं पर दालान में उसने सोचा अब क्या कर सकते हैं, रात है,
अब वहीं पर वह सो जाता है और सोने के उपरांत रात में एक सर्प आकर के डस लेता है, किसको? उस मछुआरे को, और उसका प्राणांत हो जाता है। किंतु उत्पन्न कहाँ हुआ है? वो स्वर्ग में उत्पन्न हो गया। सोचो किसके कारण? अहिंसा धर्म की उपासना करने के कारण, संकल्प को बरकरार बनाए रखने के कारण, उस त्याग धर्म के कारण उसको स्वर्ग, वह स्वर्ग पहुंच गया। आप सोचो, विचार करो। कोई तर्क करने वाला यह भी कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए वह तर्क करता है कि महाराज उसने त्याग कर लिया, अहिंसा की उपासना कर ली ही, इसके उपरांत भी उसको सर्प ने काटा, इसलिए धर्म की उपासना करने में कोई सार नहीं नजर आता। इस प्रकार मन में भाव आ सकता, ये कुतर्क माना जाता है। सर्प ने जो काटा है वह अतीत का पाप का परिणाम है। अतीत में अज्ञान दशा में जो अर्जित जो पाप कर्म है, उस कर्म के उदय के कारण उसका अवसान हुआ है, न कि वर्तमान में धर्म की उपासना करने से अवसान हुआ है। सोचो, विचार करो। और सम्यक दृष्टि इसी प्रकार सोचता है, और सोचना चाहिए, किंतु जिसका दिमाग विपरीत ही चलता है वह विपरीत ही सोचता है, नहीं सोचना चाहिए। और वह स्वर्ग पहुंच गया बंधुओं, और यह धीवरोदय नाम का ग्रंथ, उसमें इसका प्रसंग आया है। आचार्य महाराज ने एक काव्य की रचना की है, उसमें यह प्रसंग पढ़ने को मिलता है। यह प्रतिमान योग का प्रसंग है। तो इस प्रकार छोटे छोटे अपने शक्ति के अनुरूप उपासना करने वाले जीव होते हैं, धर्म की उपासना करने वाले। इसलिए हम ही धर्म की उपासना करते हैं, दूसरा कोई उपासना नहीं करता है। इस प्रकार विचार मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना है, कोई भी व्रत छोटे और बड़े नहीं होते, पात्र के अनुरूप व्रत तो व्रत ही होते हैं। क्योंकि जिसके बिना उसका जीवन नहीं चलता था, इसके बावजूद भी उसने त्याग कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। दिन भर उपवास रहा और अंत में उसका अवसान भी हुआ, किंतु संकल्प को बरकरार बनाए रखा। हम थोड़ी सी उपासना करते हैं, भगवान के सामने जाकर के पूजन कर लेते हैं, और तत्काल हम चाहते हैं, महाराज इसका क्या फल मिलेगा, इसका क्या फल मिलेगा। आपके सामने फल ही लटक रहा है, आप उपासना कहां कर रहे हैं? फल की अपेक्षा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक क्रियाओं को करते समय कभी भी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने ये कहा, आगमकारों ने ये कहा कि आपके लिए चार पुरुषार्थ दिए गए हैं। चार ही पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ आप करने के लिए, मान लो आपके भीतर सामर्थ्य नहीं है, कोई बाधा नहीं, किंतु अर्थ पुरुषार्थ करके जीवन यापन करो, जिसके माध्यम से धर्म की आराधना भी की जा सकती है। इसलिए आपने दुकान खोल रखी है, दुकान करिएगा, व्यवसाय करिएगा, किंतु नीति न्याय के अनुरूप व्यवसाय करें,
किंतु भगवान की उपासना करते समय दुकान की, मकान की, परिवार की चिंता न करें। भगवान की उपासना करते समय आपके भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए, भगवान आपके लिए एक छत्र चढ़ाता हूँ जिसके माध्यम से हमारी दुकान अच्छी रफ्तार से चले। सुन रहे हैं आप? ऐसा भाव आ सकता है क्या? नहीं आता है। इसलिए कहा जा रहा है, किंतु आचार्य कहते हैं तद्गुण लब्धये अहम वंदेहे, भगवान आपके चरणों में मैं इसलिए आया हूँ, आपकी आराधना करने के लिए आपके समीप में इसलिए आया हूँ, मेरा और कोई भी प्रयोजन नहीं, किंतु आपने जिस प्रकार साधना के माध्यम से सतपथ पर यानी मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप जो शक्ति के रूप में अनंत गुण विद्यमान थे उनको साधना के माध्यम से व्यक्त कर लिया और सिद्धत्व को उपलब्ध आपने कर लिया, और आपने उपदेश में भी हम लोगों के लिए यही दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह शक्ति, अनंत शक्ति विद्यमान है, अनंत गुण हैं, उन गुणों को व्यक्त करने के लिए अहिंसा की उपासना करने की आपने बात कही थी, इसलिए मैं अहिंसा धर्म की आराधना करने के लिए आपके समीप आया हूँ, और कोई भी मेरा उद्देश्य प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उद्देश्य को लेकर के ही आराधना की जाती है मंदिर में आने के उपरांत। दुकान की बात, फिर दुकान पर रहेंगे तो मंदिर की बात याद आती क्या? अरे जब मंदिर में आने के उपरांत भी खाने पीने की और जमीन जायदाद और परिवार आदि की बात कर रहा है तो वह दुकान में बैठे बैठे प्रभु की आराधना कैसे कर सकता है? संभव नहीं है। इसलिए जितने समय के लिए आप देवगुरु शास्त्र के समीप आए हो उस समय बिल्कुल बिना किसी अपेक्षा के एकमात्र वीतराग भाव को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के आराधना करते हैं तो पाप का क्षय हो सकता है और साथ से पुण्य का अर्जन भी हो सकता है। एक छोटा सा वह व्यक्ति था, मछुआरा, उसने कमाल कर दिया। कहाँ तो निंदनी कुल में पैदा हुआ है, वह अतीत का फल था, किंतु भविष्य का निर्माण उसने जो किया है उसका भविष्य जो उज्जवल हुआ है वह वर्तमान जीवन के ऊपर निर्धारित रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।